दोनों हाथों को सामने सीधा कर लें, कंधों की चौड़ाई के बराबर हाथ सामने, श्वास निकालते हुए जरा घूम जाएंगे बाएं तरफ, लेफ्ट साइड में पीछे की ओर। नहीं, सबका लेफ्ट इधर ही है, ऐसा नहीं है आधों का इधर है आधों का इधर है, अपने लेफ्ट, अपने लेफ्ट थोड़ा घूमे, घूम जाए और देखें पीछे की तरफ, पूरी कमर मुड़ रही है, कमर में लचीलापन बढ़ रहा है, नर्वस सिस्टम को ताकत मिल रही है, कमर दर्द से छुटकारा दिलाने वाला, पाचन तंत्र को बल देने वाला यह अभ्यास। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाए, कमर के साइड में चढ़ी हुई चर्बी भी कम होती है। पैर खुले हुए हैं, अंगुली को फंसाए, हथेलियां पलटे, हाथ को उठाए, श्वास निकाले, पीछे से ऊपर हाथ खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, सभी कर लीजिए ना, उठाए, श्वास निकाल कर झुक जाएंगे लेफ्ट साइड में, बाई तरफ झुक जाइए, इस बार भी बाई इधर ही है, पूरा झुके रुके, कमर के साइड में भरपूर खिंचाव पड़ रहा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है और कमर पर पड़ता हुआ खिंचाव कमर को हल्का और पतला कर रहा है। धीरे से वापस झुक जाइए दूसरी तरफ, मुस्कुराहट को कभी कम ना होने देना, कमर पर खिंचाव बढ़े तो मुस्कुराहट और बढ़ जाए, थोड़ा और झुके, कमर हल्की और पतली बनी रहेगी। श्वास बढ़ते हुए धीरे से फिर से वापस, एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को, जिनको कब्ज गैस की शिकायत रहती है बहुत ही लाभकारी है, हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल हो जाती है और कमर हल्की और पतली बनी रहती है। एक बार फिर से वापस, राइट साइड में फिर से झुक जाए, स्पाइन को फ्लेक्सिबल करें, श्वास निकाला है रुका है, हाथ को जितना खींच सके खींचे और धीरे से वापस, हाथों को जरा कमर पे रख लीजिएगा, पैर को थोड़ा खोला हुआ है, अपनी कमर को थोड़ा सा पीछे की ओर मोड़ दीजिए, आंखें खुली हैं, बैलेंस बनाइएगा, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, कमर और गर्दन थोड़ी पीछे की ओर मुड़ी हुई, रोके यहां पर और फिर धीरे से वापस। जब भी लगे कमर में खिंचाव हो रहा है, गर्दन में खिंचाव हो रहा है, खड़े हो जाए कुर्सी से और कर ले इस अभ्यास को। योग के छोटे छोटे अभ्यास बड़े लाभकारी होते हैं, जिनकी जल्दी से एलोपैथी में इलाज नहीं हो पाता, योग कुछ ही अभ्यास में उसको ठीक कर देता है। एक बार फिर से करते हैं, कमर को लचीलापन दीजिएगा, कमर को मोड़ दीजिए थोड़ा सा पीछे, झुकना आ जाता है, क्योंकि झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। धीरे से वापस, धीरे से घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, अर्ध उष्ट्रासन कर लेते हैं, हाथों को कमर के ऊपर रख लीजिए और अपनी कमर को थोड़ा सा पीछे की ओर मोड़ दीजिए, कमर लचीली हो गई है, गर्दन ढीली है, थायराइड करा थायराइड ग्लैंड पर सीधा प्रभाव पड़ता है, सर्वाइकल और पूरा बैक पर इसका इंपैक्ट आता है, लंग्स फैलने लगते हैं, एस्थमा ब्रोंकाइटिस में बड़ा लाभकारी है, दोनों किडनी लीवर और पैनक्रियास को स्वस्थ बना देता है। धीरे से वापस बैठ जाएंगे वज्रासन में, धीरे से पैरों को खोल लीजिएगा, दोनों पैरों को खोल लीजिए। देखो आसन जब करो, योग का अभ्यास जब करो तो मुस्कुराहट के साथ करो, जैसे आप पिक्चर देखने जाते हैं, मॉल घूमने जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं, ऐसे योग का अभ्यास भी मुस्कुराहट के साथ हो तो उसका लाभ कई गुना होता है। भार से नहीं करना, बीमारी को ध्यान में रखकर नहीं करना, बस स्वस्थ हो जाने के लिए रमते हुए करना है। करते हैं पश्चिमोत्तानासन, पैरों को मिलाएं दोनों पैर सामने, यदि कमर में दर्द, गर्दन में दर्द और हाई ब्लड प्रेशर है तो इसको अभ्यास नहीं करेंगे। श्वास बढ़ते और हाथ को उठाएंगे ऊपर की तरफ, खींचे जरा हाथों को ऊपर जितना खींच सकते हैं, श्वास निकाल कर आगे की ओर झुके, पूरा आगे झुके और हाथों से जरा पैर को छू लीजिए, पकड़ लीजिए अंगूठों को, अपनी पैर छूने हैं, शर्माया किस बात का। धीरे से वापस, कमर को लचीलापन देने वाला ये अद्भुत अभ्यास एक बार फिर से करेंगे, पृष्ठ भाग लचीला हो जाता है, हैमस्ट्रिंग खुल जाती है, पाचन तंत्र को बल मिलता है, मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है, मन शांत होने लगता है, शरीर की जकड़न अकड़न इस अभ्यास से दूर होती है। छोड़ दीजिएगा हाथ को ऊपर लाएं, एक आसन और कर लेते हैं, जरा हाथ को पीछे रखें कमर के पीछे, हाथों पर जोर डालें और बीच से उठाएं अपनी कमर को ऊपर, सिर को पीछे की ओर ढीला कर देना, कौन आसन, वेरी नाइस, सिर पीछे ढीला और खींचे पेट को ऊपर की तरफ, मजबूत कर दे अपने हाथों को कंधों को, आपकी
छाती पर सीधा प्रभाव पड़ता है, मेरुदंड भी मजबूत होने लगता है। धीरे से वापस बैठ जाएंगे आराम से, लेफ्ट से ही सांस को भरते हैं अंदर, लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस निकाल दीजिए। सांस भरने और निकालने की आवाज ना हो, आंखें बंद है, ध्यान सांसों पर टिका है। लंबा गहरा सांस भर रहे हैं और धीरे धीरे बिना आवाज के निकाल रहे हैं। अपने ध्यान को अपने प्राण पर ले आए, पांचों प्राणों को ताकत दिया जा रहा है, मन को शांत कर रहे हैं। इस गूंज को मीठे से मीठा, मधुर से मधुर करते हुए अपने ध्यान को इस गूंज पर लीन कर दें और खो जाएं इस मधुरता में, अपने भीतर के संगीत में। ये संगीत हमारे मन को शांत कर देगा। भटका हुआ मन, चिड़चिड़ा मन, तनाव युक्त मन शांत होने लगेगा। एक बार और कर लेते हैं। आंखें बंदी रखते हुए हाथों को नीचे ले आए, मन शांत हो गया है, ठहर गया है, एकाग्र हो गया है और हम जुड़े हैं अपने आप से, अपने स्वरूप से, अपनी चेतना से। भीतर ही भीतर उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करें, नमन करें। एक बार करते हैं ओम का जाप, पूरा श्वास भरे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।